और खबरों की बात करेंगे और पुणे हिट एंड रन मामला आपको याद ही होगा, इसमें बेहद बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुणे क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर ने न सिर्फ ब्लड सैंपल रिपोर्ट बदली थी बल्कि नाबालिग आरोपी को फिजिकल चेकअप में भी क्लीन चिट दे दी गई थी। 19 मई की सुबह नाबालिग आरोपी का फिजिकल चेकअप किया गया था। तो पुणे हिट एंड रन केस का यह मामला है जिसमें पोर्शे कार आपको याद होगा तेज रफ्तार और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गाड़ी जो है चलाई जा रही थी। नाबालिग चला रहा था जिसकी उम्र जो है 17 साल और कुछ महीने हैं। और इस मामले में जो वहां मध्य प्रदेश के दो इंजीनियर जो हैं उनकी हत्या उनकी जान ले ली गई। गाड़ी इतनी तेज थी कि उसके चपेट में वो लोग आए और उनकी मौत हो गई। इस मामले में पता चला कि बड़े बिल्डर का जो है ये बेटा है, आरोपी जो है बेटा है। इसके बाद आपको याद होगा इस मामले में कि तुरंत जो इसकी पेशी हुई, इसे पकड़ा गया था, स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था, पेशी हुई और पेशी के बाद इसे एक निबंध लिखने की शर्त पर इसे जमानत मिल गई थी। इसके बाद सवाल उठे और पूरे मामले की जब जांच हुई तो परत दर परत चीजें खुलती चली गई। डॉक्टर्स का पता चला जिन्होंने रिपोर्ट बदल दी, ब्लड सैंपल बदल दिए ताकि उसके खून में अल्कोहल ना पता चल पाए। पुणे हिट एंड रन केस के अंदर की कातिल रही जानों के क्राइम की एक और फाइल खुल गई है। ब्लड सैंपल को बदलकर फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का मामला हिट एंड रन मामले के अंदर भी सबसे बड़ा मामला बन चुका है। ब्लड सैंपल बदलकर गलत रिपोर्ट तैयार करने के मामले पर अब नजर महाराष्ट्र की सरकार की भी है और यही वजह है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्य समिति गठित की गई है। ये 3 सदस्यीय समिति पुणे के सुसुन अस्पताल में जांच के लिए जाएगी। जांच के बाद समिति पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर अजय तावरे ने यह भी बताया कि उन्होंने किसके कहने पर यह रिपोर्ट बदलने का काम किया है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट बदलवाने के लिए राजनीतिक रसूख का भी इस्तेमाल किया गया। पुणे क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक अजित पवार गुट के विधायक सुनील टिंगरे को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सुनील टिंगरे पर आरोप लगा है कि उन्होंने रिपोर्ट बदलवाने के लिए डॉक्टर अजय तावरे को कॉल किया था। यानी सीधे तौर पर यह मामला एक बिल्डर के बेटे को बचाने के लिए सीधे रसूखदार विधायक से पैरवी लगाने का भी बनता है। सवाल तो ये भी उठेगा कि क्या बिल्डर ने राजनीतिक रसूख रखने वालों पर भी अपना खजाना लुटा दिया है ताकि रिपोर्ट बदलवा कर अपने बेटे के दावन पर लगे खून के धब्बों को धुल सके। पुणे क्राइम ब्रांच ने वो 3 लाख रुपए भी जब्त कर लिए हैं जो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट बदलने के लिए 2 डॉक्टरों को दिए गए थे। सुसुन अस्पताल के डॉक्टर श्री हरि हर नोर के पास से 2.5 लाख रुपए जब्त हुए हैं और चपरासी अतुल घाट कामले के पास से 50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में इस चपरासी को भी गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी सिर्फ ब्लड सैंपल बदलने के मामले में ही 3री गिरफ्तारी है। दरअसल जांच में सामने आया है कि अतुल खाट कामले के जरिए ही दोनों डॉक्टरों को पैसा पहुंचाया गया था। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने भी डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्री हरि हर नोर को कारण बताओ नोटिस भी भेज दिया है। ये मामला खुद को कानून से ऊपर समझने वाले रसूखदार लोगों से जुड़ा है जिन्होंने अपना शिकार 2 इंजीनियरों को बना डाला। देश के आम लोग कभी भी ऐसे रसूखदार रईस जादों को माफ नहीं करेंगे जो अपनी नजर में आम लोगों की कोई हैसियत नहीं समझते हैं। और फिर से चुनाव की बात कर लेते हैं तो एक तरफ लालू यादव 1 जून की तैयारी में कमर कस रहे हैं, अपने वोट बैंक को जोड़ने के लिए मौलानाओं और पीर बाबा की दरगाह पर सजदा कर रहे हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ लंच पार्टी कर रहे हैं और आखिरी चरण से पहले बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। नर्वसनेस है, पीपल समझ चुके हैं, देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। ये नए तरीके की राजनीति है जो अब राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भोजन के इस वीडियो के सहारे चल रही है। कभी सभा के बीच, कभी सभा से पहले, कभी सभा के बाद में, तो कभी रेस्ट मोड में। विज्ञान कहता है कि मनुष्य को जीने के लिए संतुलित आहार चाहिए, न कम न ज्यादा, एकदम सादा एकदम संतुलित। यहाँ भी एक बैलेंस कायम है और वो बैलेंस है नियमित अंतराल पर सामने आने वाले ऐसे वीडियो का। कभी तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के साथ मछली खाने का वीडियो शेयर करते हैं,
कभी तेजस्वी यादव संतरा खाने का वीडियो शेयर करते हैं, कभी चुनावी सभा के बीच केक शेयरिंग होती है, तो कभी राहुल गांधी बहन मीसा भारती के साथ इस तरह भोजन का आनंद लेते हैं और मोदी सरकार के निंदा सुख में डूब जाते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना, यूपी में और बिहार में। ये बहुत आसान नहीं रहना, लोग काम देखना चाहते हैं। 10 साल मौका दिया, कुछ नहीं किया बिहार के लिए, तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली और बिना सोचे समझे बोलते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि इनका जो नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हैं वो। बिहार में कोई करेंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है, अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। दरअसल सियासत में कोई बात बिना मतलब बिना आधार के नहीं होती। इन वीडियो के जरिए भी लगातार ऐसे ही मैसेज दिए जा रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ एकजुट है, कि लंच डिनर वाली ये राजनीति किसको कितना रास आती है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में किसी गैंग की कोई औकात नहीं ये कहा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कोई गैंग भी नहीं बचेगा। छत्तीसगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आहट पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा बड़ा बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई और हो, छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। 2 दिन पहले झारखंड के अमन साहू गैंग के 4 शूटर्स को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, बदमाशों के निशाने पर एक बड़ा व्यापारी था। बताया जा रहा है कि शूटर्स के तार सलमान खान के घर पर फायरिंग के अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़े हुए। इनका कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है, और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो के फारेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया, ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। कोई भी हो ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। इंदौर की बात कर लेते हैं और ये खबर आपको सावधान करने वाली भी है, आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, खास तौर पर उन लोगों को जो कि बड़े पेशे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या आईटी प्रोफेशनल्स हों, खास तौर पर ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इंदौर में एक मामला सामने आया, डिजिटल हाउस अरेस्ट का नया मामला सामने आया इंदौर में। 3 महीने के अंदर ये तीसरा केस है, यानी कि लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन इन घटनाओं को होने से कैसे रोका जाए, लोगों को समझना होगा, सावधान रहना होगा, खबरों में रहना होगा कि क्या चल रहा है, कैसे लोगों को धोखा दिया जा रहा है। बदमाशों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटली हाउस अरेस्ट इस बार किया और एफडी का पैसा ट्रांसफर कराया। 3 घंटे तक ये युवती हाउस अरेस्ट भी रही। दरअसल बदमाशों ने खुद को केंद्रीय जांच एजेंसी से जुड़ा हुआ बताया और युवती के पासपोर्ट पर सवाल उठाए, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की बात कही। युवती बदमाशों के झांसे में आ गई और पैसे बैंक में ट्रांसफर कर डाले। पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। फोन आया और ये बताया गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत यूज हुए हैं, जो फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से बोल रहे हैं, और आपका जो कस्टम है कस्टम में आपके रोक लिया गया है और उसमें इलीगल ड्रग्स हैं, और सीबीआई से बात कराई, सीबीआई बनकर, क्राइम ब्रांच बनकर और कस्टम ऑफिसर बनकर इसको लगातार थ्रेट दिया गया और ये बोला कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूज हुए हैं आतंकवादी गतिविधियों में, यूज हुए टेररिस्ट एक्टिविटीज में, और आपने अगर इसको कहीं भी शेयर किया तो इसके अगर आपने कहीं भी शेयर किया तो आपके पिता को, माता पिता को जान से खत्म कर दिया जाएगा। मैंने बताया कि कोई भी एजेंसी आपसे पैसा नहीं मांगती, नंबर वन, कोई भी एजेंसी डायरेक्ट आपसे ये बोले कि आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है तो आप ये मान के चलिए कि, और सीधे आप वीडियो कॉल पे आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी है तो आप ये मान के चलिए फ्रॉड है। कोई भी आपसे अगर पैसा मांगता है, ऑनलाइन पैसा मांगता है फोन करके, अपरिचित कोई भी एजेंसी वाला बनकर, चाहे सीबीआई या क्राइम ब्रांच, तो आप ये मान के चलिए फ्रॉड है। आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर अननोन व्यक्ति के साथ या सोशल मीडिया पर करते हैं, उसको बहुत अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ही किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अगर आपके पास कोई इस तरह के कॉल्स आते हैं, आप तत्काल अपने जो परिजन से और अपने साथ के जो किसी भी व्यक्ति से।
मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए इंदौर से, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, 3 महीने में ये तीसरी घटना है, खास तौर पर ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो व्हाइट कलर जॉब करते हैं या जिनके पास पैसा अच्छी मात्रा में माना जा सकता है, चाहे वो डॉक्टर हों या आईटी प्रोफेशनल्स हों। एक बहुत बड़ा जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है और इन लोगों को भी ये बता रहा है कि ऐसी घटनाएं, हम तो लगातार बता रहे हैं कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आपको सावधान रहना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को अपने प्रोफेशन से इतर खबरों में रहना जरूरी है कि कैसे फ्रॉड हो रहे हैं बाजार में, आज के दौर में कैसे चूना लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो अपराध है, ये अपराध जो है मोबाइल फोन से होता है, इसमें बंदूक चाकू और ये जो हथियार है इनका इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें मोबाइल फोन जो है, ये आज की डेट में जो मोबाइल फोन है फ्रॉड के लिए सबसे बड़ा हथियार यही है। और इस वक्त बदलते दौर में जितना भारत आधुनिक होता जा रहा है, जितनी दुनिया बदलती जा रही है, साइबर फ्रॉड की मानो ऐसी कि बाढ़ सी आ गई है। सिर्फ इंदौर में ही क्राइम ब्रांच में रोजाना 8 से 10 लाख रुपए की शिकायत होती है फ्रॉड, और साइबर की अगर बात की जाए तो 20 से 25 लाख रुपए, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 35 से 40 लाख रुपए की रोजाना फ्रॉड की शिकायत इंदौर में आ रही। अगर एक दिन में 35 से 40 लाख रुपए, यानी इसका मतलब यह है कि एक महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए से ऊपर का फ्रॉड, और सिर्फ ये एक शहर का आंकड़ा है, ये इंदौर शहर का आंकड़ा है, बाकी शहरों की बात छोड़ दीजिए, ये आंकड़ा ये बताता है कि इस वक्त साइबर फ्रॉड के मामले सबसे ज्यादा हो रहे हैं। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, अगर कोई अनजान नंबर से फोन आता है और कोई ये कहता है कि मैं बिल्कुल लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, और इसके लिए बड़े पैमाने पर खासतौर पर ऐसे प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए कैंपेन चलाने की जरूरत है ताकि उनको इस प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में सावधान किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर भी इंदौर से, जहां पर 2 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया, यह भी अनोखा मामला। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, इन्हीं पर आरोप है कि इन्होंने की है धोखाधड़ी। व्यापारी ने इसे लेकर पुलिस को शिकायत की है। व्यापारी कह रहा है कि प्रॉपर्टी में निवेश को लेकर उसे झांसा दिया गया और दोनों ने करोड़ रुपए ले लिए, 2 करोड़ रुपए ले लिए। व्यापारी ने पीएमओ से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक से शिकायत कर डाली और साथ ही साथ पीएम और पुलिस कमिश्नर से भी, सीएम और पुलिस कमिश्नर से भी इंसाफ की गुहार लगाई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, ब्रेक के उस पार।